Sorry, eccoci. Sorry. Non posso. Hanno bombato Satmi, Satmi. Siamo in center left. Wait, wait, wait. Ma'am, look here. Siamo in center left. Siamo in center left. Karo Fai anymore there and watch the trailer of this movie jisme hai starring Esha Gupta, Kumud Mishra and Anupam Kher. Kamal, Kamal, Khudi. Because these are the characters jo ki pehle character mein jaate hain aur phir of course stars to wo sab hain. Give it up for the one, the only Anupam Kher saab, ladies and gentlemen. वो जैसा कहते हैं ना कि बॉल को एकदम बाहर फेंक देते हैं, वापस आपने वही कर दिया है. अशोक से सबसे पहले चीज आपसे जानना चाहूंगा, कुमुद जी हैं इसमें, अनुपम सर हैं, ईशा गुप्ता हैं. हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट डज इट बिकम टू डायरेक्ट अ स्टॉलवर्ट लाइक हिम एंड द अदर्स? उनको जरूरत नहीं पड़ती है. सो क्या डायरेक्शन में क्या बोलना पड़ता है सर इन लोग को, मतलब सीन कैसे समझाते हैं ये बता दो आप. सीन समझाना पड़ता है बस, कैमरा ऑन है कब इतना कहना पड़ता है, खाली यही बताना पड़ता है कैमरा इज ऑन. राइट राइट. यू नो ईशा, व्हेन यू वर्क विद पीपल लाइक अनुपम खेर साहब, यू नो इंस्टीट्यूशन ऐसा कोच में बोल सकते हैं उनको, एंड ही इज लाइक हाँ ठीक है यार, तारीफ ज़्यादा मत कर दो. सो हाउ इजी डज इट बिकम फॉर यू? मैं अगर वैसे आई थिंक अनुपम सर को मिलती तो बहुत नर्वस होती. इस बार भी जो मेरा पहला दिन था वनडे के सेट पे, नर्वस से ज़्यादा एक्साइटेड बहुत थी, बिकॉज एक्टर्स प्रिपेयर्स कि मैं प्रोटेजी हूँ. तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि जो मेरे गुरु हैं उन्हीं के साथ अब मैं सीन शेयर करूंगी, स्क्रीन स्पेस शेयर करूंगी. बट अनुपम सर का एक चीज़ बोलूंगी, एंड सर इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ पर हैं, सर के पीछे से भी मैं जब नहीं होते और कोई पूछता यही बोलती हूँ, इतनी फिल्म सर ने कर ली बट अभी भी वो पूछते हैं अच्छा ये मेरा शॉट ठीक है. मतलब वो और सर से पूछते हैं या हम लोगों से कि ठीक बोला, अच्छा एक और ले लिया. एंड आई थिंक हमें और ये सीखने को मिलता है, अच्छा जितना मतलब पूरी उम्र है हमारे पास सीखने के लिए, एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, वेरी वेल पुट. और सर आपसे क्या मैं पूछूं, सिर्फ एक चीज़ जो आई एम श्योर बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जो दोज हु एस्पायर टू बिकम एक्टर्स, उनसे उनके दिल में होगी ये बात, हैव यू एवर फेल्ट दैट वो बटरफ्लाइज ऐसा कुछ सेट पे जाने से पहले, या आजकल कभी होता है? आई ऑलवेज फील बटरफ्लाइज. अभी भी? या बटरफ्लाइज आर नॉट देयर, दैट मींस यू आर अ डेड एक्टर. बट थैंक्स टू अशोक जी, ये मॉडेस्ट होके कर, इन्होंने जीना आराम किया हुआ था शूटिंग के दौरान मेरा. नहीं नहीं सर वो बात नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा सर, नहीं सर ये नहीं सर, दोबारा करते हैं. बड़े ढीट हैं, और जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं बड़े ढीट होते हैं. अच्छा. बहुत ही ढीट होते हैं, और ये बहुत ढीट हैं. बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर जितने भी कलाकार बैठे हुए हैं जो अभी मंच पर नहीं हैं. आई थिंक व्हेन यू वर्क विद पीपल हु नो देयर जॉब, तो आई बिकम फ्राइटेंड. Because I have to, I go to every set, especially in the last few years, right, as a newcomer. Right. And there is so much to learn from these actors who are here. Anand yahan baithe hain. Ye saare jo naye kalakar inke saath aaye hain. And sabse badi baat hai ki when your student works with you, then you have to do well. Right. Because unke man mein ye hota hai ki inhone mujhe padhaya hai, hamare school se hain ye. To excitement khud hi banani padti hai apni. Right. You see, you have to be excited about your work. The day you carry the burden of veteran, legend, thespian, वो सब आपको इसलिए किताब दिए जाते हैं कि भाई आपके रिटायर होने का टाइम हो गया है. लेकिन जैसा कि इसने बोला है डायलॉग कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं. और मैं तो नौकरी से भी अगले 50 साल तक रिटायर नहीं होने वाला. क्या बात है, खेर साहब के लिए तालियां, कम ऑन.
मैंने इसीलिए उनमें से कोई भी शब्द यूज नहीं किया, बच गया मैं. नहीं तो अभी बाकी मेरे पे आ जाती. ईशा, व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब टीचर को देख लिया, कितने नंबर मिलेंगे इनकी परफॉर्मेंस के लिए? हो जाए. मतलब ये आपने बहुत ही गलत सवाल मुझसे गलत बंदे से पूछा है, बट आई थिंक अशोक सर से आप पूछिए, क्योंकि सारी मेहनत अशोक सर ने की है. मैं अपने लिए तो यही बोल सकती हूँ. यू सी, सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम टू मेक मूवीज लाइक दिस, बिकॉज मूवीज लाइक दिस हैव ग्रेट फ्यूचर. ऑडियंस को भी वो क्लीशेज नहीं दे सकते हैं. व्हेन ही केम टू विद दिस स्क्रिप्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा. और इसमें बाकी एक्टर जो आज यहाँ नहीं आए हैं, कुमुद मिश्रा जी नहीं आए हैं, राजेश सिंह जी नहीं आए, उन सबका योगदान बहुत है. तो लाइफ ऑफर्स यू चैलेंजेस and comfort zones. You have to choose challenges because that will make your life comfortable. Amazing. Later on. Amazing. So this is fantastic. Baki to bahut hamare utar chadhav zindagi mein bahut hai, kyunki mere ko lagta hai ki main kaam janta hu. Maine 515 film mein lagti hai, unki ye dusri teesri film hai, unko lagta hai ki maine pura kaam kiya hai script pe. But hats off to him, is very good. The whole team, everybody, co-producers, everybody has done a great job. I think we're very happy to be this, and this is the producer. That's right. We just saw the response. It was superb. And on that note, may I invite on stage the producers of the movie, ladies and gentlemen. Give it up for Mr. Ketan Patel and Ms. Swati Singh. Zordar taaliyan ho jaye, please. Congratulations on this. You know, again, एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा सब्जेक्ट जो जो हार्ड हिटिंग है, फास्ट पेस्ड है, थ्रिलर है, ये इसको बैक करना कितना कितना आसान है आज के दौर में और कितना मुश्किल है? See, film like One Day doesn't require anybody's backup. Wow. वो स्क्रिप्ट और कंटेंट जब हमारे पास आया, वो itself was a backup, because One Day जैसी फिल्म बननी चाहिए, it should be promoted on a big level. और when you have खैर साहब and ईशा गुप्ता, आपको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? And Ashok ji is a very talented director. So, thank you. Second thought koi tha. Thank you for the certificate. No, but like Swati rightly said, I agree. The film, the script is on its own so good that I think that's the main hero of the film. Right, right. Ashok sir, मतलब सेट पे तो खैर साहब ने जैसे बताया, बहुत लुक भी एक्सचेंज हुए हैं, बातें भी हुई हैं. सो अब ये जो प्रोडक्ट सामने आ गया, what do you have to say, sir? कुछ तो दो शब्द. He has to say. सर कुछ तो बोल दो. जो रीटेक्स हो रहे थे उसका रिजल्ट यही है. नहीं, आई थिंक अशोक इज अ वेरी इज अ शाय पर्सन, बट ही इज वेरी ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. हिज टेक्निकल बैकग्राउंड इज हेल्प्स हिम ग्रेटली. व्हेन अ मूवी लाइक दिस हैपेंस, यू हैव टू डू व्हाट यू डोंट डू इन अदर मूवीज, बिकॉज मेरे लिए इट्स अबाउट द फिल्म इज अबाउट अ रिटायर्ड जज. द डे ऑफ द डे व्हेन ही रिटायर्स, he discovers there's it's not hidden, so it's there, so I can reveal the story so that it involves a certain. So jis din wo judge retire hote hain, us din unko ek aisa hadsa hota hai aur unko pata lagta hai ki unki zindagi ke pure saaf sutre career mein char cases aise the jinme appealon ki wajah se, jinme galat sabooton ki wajah se unko un char logon ko saza deni thi, and then he heads out to deliver justice when he's retired. And then there is police officer like her, she wants to. So it's a cat and mouse story, right? And very beautifully told, and I'm sure it people will like it. People should see it. Fingers crossed, sir. Zarur se 14 tarikh ko, I'm sure they're going to watch it. It's over to the media. I'm sure aap logo ke man mein bhi bade sare sawal hai, so we'll take the questions from the media. Aaj ke one day ke bare mein puchna, 23 tarikh ke one day ke bare mein mat puchna. Sir, pehle yahan pe chokka maar diya aapne. नहीं नहीं, बिकॉज इन ये वो पूछेंगे पहले तो. मैं बताता हूँ ना, मैं पिछले 35 साल से अपने दोस्तों को जानता हूँ, पहले ये पिक्चर के बारे में पूछेंगे, फिर क्या सर. पर अगर जो एक बात आपसे पूछनी है, तो मेरे एक चाचा जी थे जो हमेशा बोलते थे, तो दूसरी बात क्या है ना, तो हमको सब बच्चों को सब यही टेंशन रहती थी, पहली बात क्या बोलने वाले थे. चलिए, एनीवे, सो वील जस्ट टेक द चेयर्स. और हाँ ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हमको भी नहीं पसंद होते थे, है ना, अचानक से कुछ आ जाता था गूगली. तो यहाँ पे भी फिल्म से रिलेटेड ही पूछ लेंगे, बाकी तो खैर साहब है. दे 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 कैन आस्क एनीथिंग. हाँ जी, आइए. एंड देन वील हैव अ क्विक फोटो ऑप. ऑफ कोर्स वील हैव द एंटायर कास्ट ओवर हियर. या जी जी मनोज सर, क्या बधाई देंगे पिक्चर के बारे में बताना चाहूँगा पहले तो मैं आपको. जस्ट बिकॉज अब अगली सीट पे बैठे हो, मतलब इसका फ़ायदा उठा रहे हो. नहीं, आपने याद दिलाया कि ये सवाल
अच्छा, जैसे तुम्हें याद ही नहीं था, पूरी शक्ल पे लिखा हुआ है मोदी जी. नहीं, आई थिंक इट्स वंडरफुल. यस सर, कुछ आपने ऐसे हाथ खड़ा किया या मतलब? अच्छा अच्छा, इफ देर आर नो क्वेश्चन वी आर हैप्पी टू बी हैप्पी लाइक दैट. हेलो अनुपम सर, दैट्स अ गुड, दैट्स अ गुड सिचुएशन. यस सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी. हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स रवि जी, कैसे? अनुपम सर, लीगल सिस्टम के बारे में फिल्म है, उसका बैकग्राउंड ये है, लीगल सिस्टम कैसा है. एक रिटायर्ड जज को बाद में पता चलता है कि उसने कुछ गलत डिसीजन दे दिए, लेकिन अगर हम देश के हालात की बात करें तो पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है. लोगों को न्याय नहीं मिलता है और गरीबों को तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता है. हमारा लीगल सिस्टम बहुत ही खराब है, तो उस पूरे लीगल सिस्टम के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू मी. हमारे यहाँ इतने सारे, जैसे कि आपने इतने सारे केसेस बताए, इतने सारे केसेस जो हैं कुछ तो अदालत में आते ही नहीं है. कुछ लोग जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास वकील तक नहीं है हायर करने के लिए. So the this is also, this will reflect a system which needs to be but sab theek hai, theek hi ho jayengi cheeze, mujhe lagta hai. But hamara legal system is I think we are still following the British system, British judicial system. We need to change that. We need to appoint many more judges, many more judges than they are right now. And judge ko aisa nahi ki retirement ke baad pata lagta hai. जज को पता होता है कि बट इट्स अ टेक्निकल थिंग. इमोशनली यू कांट गिव जजमेंट. द जज इज जजमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द सबूत और ये सब चीज़ों के ऊपर. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज दैट. अनुपम सर, आपने बताया कि 515वीं फिल्म है ये आपकी. आपने हॉलीवुड में भी फिल्में की हैं, सीरीज भी की हैं वहाँ पर, और लगातार आप फिल्में इतने 40-35 साल से सक्रिय हैं सारांश से. अब जब आप एक्टिंग करने के लिए जाते हैं सेट पर, तो वो एक चीज़ वो क्या है जिसके लिए आप वो स्ट्राइव करते हैं अपने करियर में? जब भी आप घर से निकलते, वो क्या चीज़ अब भी आप पाना बाकी है आपके लिए? एवरी डे नाउ व्हेन आई गो टू वर्क आई टेल माई सेल्फ आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट एक्टिंग. That is the only way. That's why Isha said that that's the only way. हम सब अपने अपने ज्ञान के तले दबे रहते हैं, और जब तक अपने ज्ञान के तले दबे रहेंगे नया कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा. तो मैं हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. और जो भी साथ में होते हैं, हम अपनी, मैंने बताया ना, अपनी सीनियोरिटी वजह से फंस जाते हैं. पर अगर आप ये जान के चलें, एक सीन था मेरे दो दोस्तों का यहाँ पर. व्हेन वी वर डूइंग दैट, मैंने अशोक को कहा, मैंने कहा यार ये मुस्कुरा रहे हैं सीन के वक्त. तो अशोक ने कहा कि बिकॉज उनका कैरेक्टर है मुस्कुराने वाला. तो बड़ी जल्दी से, आसानी से जवाब मिल गया. आई थिंक व्हेन यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी एल्स, देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है. लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए. लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी इट वाज वेरी शेमफुल. इट्स एज सिंपल एज दैट. ही शुड हैव नॉट डन दैट. इट्स नॉट कूल टू डू दैट. एब्सोल्युटली नॉट कूल टू डू दैट. दैट्स ऑल. लेट्स मूव ऑन. ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's not in good taste at all. But it just shows how he is not, it doesn't reflect on what others are. And that's all I like to say. But it was, like he said, shameful. Maafi sahit, Anupam ji. Sorry? Maafi sahit, maafi mangte huye ye sawal mein ne poocha. Aapne bola tha, out of syllabus mat poochna. Nein. Jo ye to baat jo sach hai, jo uske baare mein bolna zaruri hota hai. Because I think it was in poor taste. Yes. Thank you, sir. देखिए, ऑल और जो कलाकार हैं उनसे रेफरेंस नहीं लिया, क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर है वो उनका नजरिया है, वो मतलब दिस फिल्म इज हिज बेबी, अशोक सर बेबी. तो क्या होता है, हर डायरेक्टर का एक अपना व्यू होता है. सर ने हमारा एक जो रेफरेंस था, ऑफकोर्स सर ने मुझे एक दो
हरियाणवी जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनसे मिलवाया ताकि समझ में आए उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है. बहुत ही अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, और नॉर्थ की स्पेशली ना थोड़ी जो वहाँ की औरतें भी होती है ना वो किसी मर्द से कम नहीं होती. और आई थिंक वो ये पुलिस ऑफिसर भी वैसी है, एक अंदाज़ होता है बात करने का. वो आई थिंक कुछ भी आप बोले फिल्म को और इस कैरेक्टर को लेके, मेरे लिए स्पेशली मैं बोलूँगी जो भी प्रिपरेशन गई है वो सब अशोक सर के साथ बैठ के. हमारे डायलेक्ट मुझे एक सिखाते थे कि कैसे बोलना है, क्या अंदाज होना है. एक उसकी राठी की एक जनरल नेचर क्या है, सार्कास्टिक है मगर वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेती है. मगर वो होता है ना कंबल में लपेट के मारना, डंडों से भी मारा है उसने मगर जब वो बात करती है उसका अंदाज़ ऐसा है कि वो प्यार से बोलेगी मगर आपको पता है कि वो नीचे से आपको थप्पड़ मार रही है. तो वो सब जो है किसी एक्टर से नहीं बट वो सर से सिखाया. सर के सारे रेफरेंसेस थे क्योंकि इन्होंने पूरा होमवर्क करके बैठे थे कि वहाँ पे, जैसे मैंने बोला हरियाणा बहुत अलग है, मैं पंजाबी हूँ बट एक हरियाणा और पंजाब की डायलेक्ट इतना अलग है कि मैं नहीं बोल पा रही थी. तो सब क्या सब आई थिंक शायद सब को सर को जाता है. हेलो, पूजा नवाथे फ्रॉम इंडिया न्यूज़. हेलो, मेरा सवाल अनुपम जी से है. सर आउट ऑफ सिलेबस है, सॉरी. 23 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंस होंगी तो आने वाले गवर्नमेंट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं इस देश में? वेल आई थिंक वी ऑलवेज यूज टू ड्रीम अबाउट वन डे वी विल हैव ए करप्शन फ्री गवर्नमेंट, वन डे वी विल हैव ए प्राइम मिनिस्टर हु विल ओनली टॉक अबाउट द डेवलपमेंट इन द कंट्री, वन डे वी विल हैव not to give any bribe to anybody to get our student children admission. One day that happens, and I think one day has come. And that's what I will say, and I think they are doing a great job. Main abhi Kiran ke prachar ke liye Chandigarh gaya hua tha, and I discovered, main jab colonies mein bahar ke shahar ke bahar ki colonies mein gaya tha, you know what I was amazed and surprised, not surprised, so happy about, that the young generation does not believe in jat, paat, ameer, gareeb, ye is jati ka hai, wo is jati ka. They are only thinking about taking India to another level. And that is, I think, what we need to expect, and that's what's going to happen. At least the exit polls say that. Yes, please. Isha ji, hi. आप दोनों को congratulations for the movie. Trailer looks very very promising. मेरा सवाल आपसे ये है इशा जी, since you are his protege, what was your first day on the shoot? मगर कौन सा, अगर आप पूरा ना बता सके, scene कैसा था और क्या आपका reaction, मतलब enact कैसे कर पा रहे थे? Was it difficult for you? What was it? आप ही बताइए. I think difficult से मैं बताता हूँ इसने क्या किया था. इनने अशोक जी को कहा कि मेरा पहला शॉट जो है सर के बगैर ले लेना, अलग से सर का अलग से ले लेना. But then later on, I think she did a great job. It was a long scene. I think it was a climax we started shooting with, where she had 3 pages of dialogues and I had half a page of dialogue. उसमें से first 2 minutes तो I think जहाँ मुझे गुस्सा होना है, मेरी face ऐसा था क्योंकि मैं जब सर को देखती हूँ, I was like hi sir, and वो and you know like जब आप जानते हो आपके कोई गुरु हैं, आपको पता है कि वो कैसे रह चुके हैं. It was so difficult for me. Of course, काफ़ी स्ट्रेस था कि मतलब यू नो मोर देन मेकिंग हिम अ लेजेंड और एनीथिंग, जो भी है एक गुरु का जो महत्व होता है आपकी लाइफ में, आई थिंक सबसे ऊंचे दर्जे पे होता है आपको काफ़ी. एंड मैंने तो सर से ही सीखा है, तो आई ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू, मैंने बोला था कि अलग से मेरा शॉट ले लो क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट शॉट ओनली. आफ्टर दैट आई थिंक व्हाट द पीपल हु हैव आई थिंक लर्नड फ्रॉम, इट इज़ नॉट दैट दे आर नर्वस, दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द टीचर. That they want to, they're excited basically. I think she's done a great job. Everybody's job is fantastic in the film. Rajesh is very good. Kumud ji jo abhi aaye nahi hai, bahut acha unke sath kaam karke mera pehla scene unhi ke sath tha, bahut acha laga. I must say that this young producer has really stood by Ashok ji, and they've really done a great job. We have the youngest assistant director also here, Yash Nanda, who's Ashok ji's son. He was khade pe dikhao the stage pe aage dikhao. He walks also like Ashok sir. Yeah, ये अशोक जी का बेटा, ये youngest assistant director था. इसने 2-3 shot भी लिए हैं, इसने 2-3 shot approve भी किए हैं. So he wanted his name also instead of my name, he wanted his name. इन्होंने अपना computer में इनका ना पिताजी का नाम निकाल दिया था, अपना नाम डाल दिया directed by Yash Nanda. तो thank you.
हाँ जी यस प्लीज एनीबडी एल्स यस सर मेरा सवाल प्रोड्यूसर से भी है कि जब अनुपम सर जैसे लेजेंड अगर आपके फिल्म में आ जाते हैं डू यू थिंक कि जो फिल्म की जो स्टोरी होती है उसको और एक वजन मिल जाता है एंड जो बोलते हैं जो कैरेक्टर होता है वो हाँ यही एक एक्टर जो जस्टिफाई कर सकते हैं इनफैक्ट उन्होंने और बढ़ा दिया होता है उसका जो ओहदा होता है व्हाट यू वांट टू से एक्चुअली जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो खैर साहब को ही दिमाग में रख के लिखी गई थी और उनके अलावा हमारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं था कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता था आपने सेकंड चॉइस के बारे में पूछा था एड्रेस दे देना मुझे अपना अच्छा एक ही जैसा हीरा है दोस्त और कोई नहीं मेरे जैसा कोई जस्टिस नहीं कर सकता था Of course. Thank you. Okay, one word answer. मिली मैंने. अनुपम सर जैसे फिल्म का नाम वनडे है तो अगर आप किसी एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनके विपक्षी दल के बनते तो क्या करेंगे मैं विपक्षी दल का क्यों बनूंगा भाई मेरे को किसी ने काटा है क्या अगर आप पीएम बनेंगे तो क्या करेंगे और जो पीएम है वो सही है मेरे हिसाब से आई थिंक वो अपना काम बहुत सही कर रहे हैं मैं एक दिन के लिए अनुपम खेर और हज़ारों दिनों के लिए अनुपम खेर अच्छा हूँ मैं इट्स वेरी गुड मैं 1,25,000 से एक बिड़ा दूँ अब यस जी मैं पूछ लूँ फिर अनुपम सर इज इट डिफिकल्ट टू अप्रोच एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर इज द इजीएस्ट थिंग कैसे हाउ डू वी डू इट लाइक आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू नो दैट जस्ट हैव टू हैव अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड ग्रेट पैशन Right. Aap, you will, this I can say it in front of the present, the press. I have worked with maximum first-time directors, anybody in the country. Right from Adi Chopra to Karan Johar to Divakar Banerjee to Neeraj Pandey to Ashok. Ashok ne to pehle film banayi hai. Sabki pehli film mein, मैंने काम होटल मुंबई के जो डायरेक्टर थे एंथनी मरास और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके साथ मैंने काम किया इज द इजीएस्ट थिंग इज टू अप्रोच मी आई जस्ट हैव टू लाइक द पैशन फॉरगेट अबाउट द स्क्रिप्ट द पैशन ऑफ द डायरेक्टर बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर गिव्स एवरीथिंग टू अ फिल्म एंड उसके बाद फिर डिपेंड करता है वो कितना काम कर सकते हैं वाज इट दैट इजी फॉर यू टू मैं थोड़ा वो वेरिफिकेशन चाह रहा हूं या क्या करना मुझे मेरा पता करना है हरमन डिसूजा का एड्रेस पता करना हरमन का ना मैं ईमेल एड्रेस बताता हूँ जितने भी यहाँ भाभी डायरेक्टर बैठे हैं मुझे अच्छा वन मोर ट्रिविया विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिविया दैट इन 35 ईयर्स देर इज नॉट बीन ए सिंगल डे सिंगल टाइम सिंगल आर वेन आई एम नॉट हैविंग एनी फिल्म इन इंडिया दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर वन डे Right now, I have no film in India and still I feel most empowered actor in the world. Superb, superb. This is the first time. This is the, in the last 35 years. 25 Mai ko, parson, 25 Mai ko ek dutyar bindad, mujhe ho jayenge filmon mein 35 saal. 35 saal. 25 Mai 1984 ko saransh release hui thi. और दो दिन बाद है और 35 साल हो जाएंगे और इन 35 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अब पहली बार ऐसी कोई फिल्म नहीं है तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर फिल्म बनाने वाले सब आ जाओ आई विल बी बैक इन वन ईयर्स टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड देन वील स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन सही है तैयार है सब लोग है ना सर एक चीज दिस इज फॉर द डायरेक्टर एज वेल एज यू प्रेस वालों को दूसरी जगह जाना है हाँ नहीं ज्यादा टाइम नहीं गुजारा कि वन डे यू नो एक वो वेंसडे का भी कहीं ना कहीं कुछ एक वो थोड़ा सा फील आया यू नो सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट अशोक सर आपसे जानना चाहूंगा मैं क्राइम थ्रिलर इज द कॉमन थिंग बिटवीन बोथ राइट स्टोरीलाइन इज कंप्लीटली राइट वो आम आदमी और वही आम आदमी का तकलीफ आम आदमी को जस्टिस मिलना ऑल दिस थिंग्स आई थिंक यू हैव जस्ट आंसर्ड दैट सो यू'ड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट नो नो दैट्स ऑल आई वाज थिंकिंग हाउ टू मेक इट डिफरेंट फिजिकैलिटी वाइज सो यूजुअली व्हेन यू डू द ओल्ड मैनस रोल आपके कंधे झुक जाते हैं इन दिस फिल्म आई कॉन्शियसली केप्ट द शोल्डर्स बैक एंड इट वाज It's just some small little details. It's not right. important. Baki sab theek hai piche? Dosto? Kya keh rahe ho? Kiskin?
हाँ मतलब कौन कौन पहली तो इलेक्शन दूसरी तो समझ अपनी फिल्म हाँ साथ में सेलिब्रेट करेंगे हाँ सर मानना पड़ेगा ये आपकी प्रेजेंस है वहां से आज तक सवाल नहीं आया सर ये अपने जान कभी नहीं आया ये बाहर मिला था मैंने इसको पकड़ाया था कुछ एक लिफाफा जा मतलब उतनी दूर से थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन
you